everyone, once again welcome back to my channel. तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन होने वाला है एक मीशो हॉल. एंड आज मैं आपके साथ मीशो से शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सी साड़ियाँ, ज्वेलरी, कुर्ती, शरारा. एंड सभी के कोड आपने मुझे दिए थे एंड सभी लेटेस्ट कलेक्शन है. तो मीशो पे लिंक्स नहीं होते हैं, कोड्स होते हैं. जितने भी आउटफिट शेयर कर रहे हो सबके कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. और अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से, जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% एंड 100 rupees का डिस्काउंट देखने को मिलेगा. और ऐसा तभी होगा तब आप मेरे लिंक से मीशो डाउनलोड करोगे. तो डाउनलोड लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप मीशो डाउनलोड कर सकते हो. एंड ये वाला वीडियो भी है रीसेलिंग वीडियो. जितनी भी साड़ियाँ हैं सब कुछ रीसेलिंग में है, सभी की प्राइस में यहाँ पे मेंशन करती जाऊंगी, दोनों रीसेलिंग प्राइस, मीशो प्राइस. अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इंस्टा का, यहाँ पे क्लिप दे दूंगी, इंस्टा पे जाइए, मुझसे कनेक्ट रहिए एंड वहाँ पे आप मुझसे परचेज कर सकते हैं. लेकिन जल्दी करना, बिकॉज होता क्या है बहुत ही डिजाइनर साड़ियाँ हैं एंड फटाफट से सोल्ड आउट हो जाती है. ये जो आज मैंने आउटफिट पहना हुआ है बहुत सारे लोग कॉमेंट करेंगे, लेकिन जो मेरे रेगुलर व्यूअर है उन्हें पता है ये वाली साड़ी है बहुत ही प्यारी सी साड़ी है. इसको मैंने कल वाली मीशो वीडियो में शेयर किया था, वहाँ पे आपको इसका कोड एंड फुल रिव्यू देखने को मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उस वीडियो का. ब्लाउज है अमेजोन से, ऑलरेडी चैनल पे वीडियो शेयर किया हुआ है, वेलवेट ब्लाउज है, आप ये वाला ब्लाउज परचेज कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड ज्वेलरी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जाके जरूर से आप चेकअप कर लो, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स, कोर्स जो भी है सब कुछ मिल जाएंगे. तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है. इसका फुल लुक आप साइड में देखना, इसकी इमेज आप साइड में देखना. बहुत सारे लोगों ने मुझे इसका कोड दिया था, पर और वेबसाइट पे जब आप इस साड़ी को चेकअप करोगे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, यहाँ पे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में. एंड इसका कलर बहुत प्यारा है, ये आपको वाइन कलर में देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है. तो चलिए मैं आपको खोल के बताती हूँ ये वाली साड़ी. पैकेजिंग इसमें कोई जिप कवर वगैरह नहीं आया था, नॉर्मल पैकिंग में ही आई थी ये वाली साड़ी. एंड इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी. तो सबसे पहले मैं आपको इसका ब्लाउज बता देती हूँ. इस तरीके का आपको इसका ब्लाउज देखने को मिलेगा. इसका ब्लाउज है जो काफी ज्यादा हैवी है, डिजाइनर है. पहले मतलब तो ये ब्लाउज है जो आपको जॉर्जेट फैब्रिक में देखने को मिलेगा. पूरी साड़ी है जॉर्जेट एंड सिल्क फैब्रिक मिक्स में है, काफी ज्यादा लाइट वेट है एक ना. और दूसरा इस साड़ी में ना बहुत ही ज़्यादा शाइनी फैब्रिक यूज़ किया गया है, तब आप है ना इसे पहनोगे बहुत ही ज़्यादा शाइन करेगी, चाहे वो डे हो या नाइट में हो, दोनों के अकॉर्डिंग पहनने के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट कलर है एंड शाइनिंग वाला फैब्रिक है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लाउज से. इस तरीके का आपको ब्लाउज देखने को मिलेगा. ये है ब्लाउज का फ्रंट, ये है स्लीव्स, दोनों स्लीव देखने को मिल जाएगी. इस पर जो पूरा काम किया गया है, पहली बार तो पूरा काम थ्रेड एंड जरी वर्क है. पास से दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा एंड नीटली किया हुआ है, काफ़ी अच्छा मतलब कलर जो कॉम्बिनेशन है इसमें मिक्स किए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. तो साड़ी का कलर ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है एंड बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, लाइट वेट है एंड पूरा फैब्रिक आपको 90 cm का मिल जाएगा. बैक साइड आपको प्लेन मिलेगा, तो आप जैसा पिक्चर में दिया गया है एज इट इज़ आप स्टिच करवा सकते हो. अगर आप एक्सेल डबल एक्सेल साइज में भी हो तो भी आपकी ये आराम से आ जाएगा. अब मैं आपको बताती हूँ साड़ी, इतना सा पार्ट है ना साड़ी का वो बिल्कुल प्लेन मिलेगा जो कि आपके अंदर की साइड जब आप ड्रैप करते हो तब आता है. बाकी पूरी साड़ी पे आपको इस तरीके का नीचे की साइड बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, फुल लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा. इस तरीके की आपको ये पूरी साड़ी देखने को मिल जाएगी, ऊपर की साइड से प्लेन मिलेगी, नीचे वाली साइड आपको इस तरीके का काम देखने को मिल जाएगा, वो ही जो सेम ब्लाउज में किया हुआ है. पूरा बॉर्डर ऐसा मिलेगा आपको एंड पूरी साड़ी पे आपको बूटे देखने को मिल जाएंगे. पूरी साड़ी 5.5 meter की है. अब यहाँ से स्टार्ट होता है आँचल, आँचल पे आपको चारों तरफ इसमें बॉर्डर देखने को मिल जाएगा. बहुत ही प्यारी साड़ी है, लुकिंग वाइज परफेक्ट है, कलर काफ़ी अच्छा है, प्लस लाइट वेट है, उस अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. प्लस अभी तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो. एक पार्टी वेयर साड़ी है, लाइट वेट है एंड सिल्क फैब्रिक में है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है, तो ले सकते हो आप, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो भी है एक साड़ी, और इस साड़ी के लिए इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे थे मेरे पास एंड इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी मुझे ये साड़ी. इसमें आपको ऐसा किया ना ऐसा मीशो पे लहंगा भी दिया हुआ है, पर पहले मैंने सोचा आपके साथ साड़ी शेयर करती हूँ देन आपके साथ लहंगा शेयर करूंगी. एंड इस तरीके के जिप कवर में देखने को मिलेगा. एक तो ये पूरी साड़ी है जो ऑरेंज सिल्क फैब्रिक में है, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है.
प्लस कलर है ना इसका बहुत प्यारा है, आपको कुछ इस तरीके का कलर इसमें देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ब्लाउज बताती हूँ, और इसमें ना बैग स्टाइल साड़ी है तो बहुत ही प्यारी लग रही थी ये वाली साड़ी मुझे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ब्लाउज बताती हूँ। ब्लाउज के लिए इन्होंने दो फैब्रिक दिए हुए हैं, एक बैग के लिए बिल्कुल प्लेन फैब्रिक दिया हुआ है और ऑरेंज सिल्क का। फ्रंट के लिए आपको इस तरीके का फैब्रिक देखने को मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, पूरे पे जरी का काम किया गया है प्लस सिक्वेंस लगाए हुए हैं। इस तरीके का आपको फ्रंट देखने को मिल जाएगा, एंड इस तरीके का आपको स्लीव्स के लिए दिया हुआ है। चाहो तो आप स्लीवलेस बनवा सकते हो जैसा मॉडल ने पहना हुआ है, या फिर अगर आप स्लीव लगवाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों तरीके से काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा और इतना इनफ फैब्रिक है कि आपके एक्सेल एंड डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगा। तो ये तो हो गई ब्लाउज की बात, अब मैं आपको बताती हूँ बेल्ट। बेल्ट के लिए इन्होंने अलग से ये बेल्ट दी हुई है, मतलब फैब्रिक दिया हुआ है बेल्ट का। जस्ट आपको इसे पीछे से या तो आप पिन से टाई अप कर लीजिए सेफ्टी पिन से, या फिर आप यहाँ पे ना क्लोजर लगवा लीजिए, यहाँ पे आप हुक्स वगैरह स्टिच करवा सकते हैं। पूरी बेल्ट आपको सिक्वेंस फैब्रिक में देखने को मिलेगी, गोल्डन सिक्वेंस में यूज किए गए हैं प्लस छोटे छोटे सिक्वेंस है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ साड़ी। साड़ी पूरी आपको ऑरेगंजा सिल्क फैब्रिक में देखने को मिल जाएगी। लुक एट दिस, इस तरीके की फ्लोरल प्रिंट में पूरा फैब्रिक है। इसका जो कलर है वो काफी अच्छा लग रहा है, एंड इस पे आपको नीचे की साइड इस तरीके के लेस देखने को मिल जाएगी। पूरी लेस ना काफी ज्यादा हैवी है, लाइक जरी की एंड सिक्वेंस की लेस है ये वाली। तो ये तो है इसका आंचल, आंचल पे आपको चारों तरफ लेस देखने को मिल जाएगी। बाकी पूरी साड़ी पे आपको ओनली नीचे की साइड ये वाली लेस देखने को मिलेगी। फुल लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। पूरी 5.5 मीटर की साड़ी है, समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, एंड अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है बेल्ट वाली साड़ी, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, डिजाइनर लुक है, एंड गर्ल्स के अकॉर्डिंग भी परफेक्ट है। तो ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब लुक के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट मैंने पिक की है वो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी वाइट कलर की साड़ी, एंड ये एक रेप्लिका है, मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये आपको नेट फैब्रिक में देखने को मिलेगी एंड फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। तो मैं खोल के बताती हूँ, एक तो ना इस तरीके की साड़ी है ना वाइट हो गई एंड लाइट ग्रीन हो गई, लाइट पिंक कलर हो गया, काफी ज्यादा एलिगेंट लगती है। स्पेशली इस तरीके की साड़ियाँ काफी ज्यादा सुंदर लगती है पहनने के बाद, आप इसका फुल लुक देखना साइड में काफी ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंचल बताती हूँ। लुक एट दिस, एक तो ये पूरा जो काम किया गया है ना आप देख सकते हो, पूरा थ्रेड से किया गया है एंड कितना नीटली किया हुआ है, आपको कैमरे में एक बार बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा वो चीज। तो ये तो है इसका आंचल, आपको इस तरीके का इसमें आंचल देखने को मिल जाएगा। फुल साड़ी है ना हैवी है, एंड अगर आप हाथ में लोगे या फिर आप पहनोगे तो अगर आपको लगेगा पूरा लाइट वेट साड़ी है, लेकिन ऐसे आप दूर से देखते हो तो लगता है कितनी सुंदर साड़ी है, एलिगेंट है, प्लस यार अफोर्डेबल प्राइस में। उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वाइट कलर के ऊपर ये वाला काम इतना प्यारा लग रहा है, एंड पूरी साड़ी आपको 5.5 मीटर की इसी तरीके की आपको ये वाली पूरी साड़ी देखने को मिल जाएगी। नीचे की साइड आपको इस तरीके का बॉर्डर दिया हुआ है। ये है पूरी साड़ी 5.5 मीटर की, बस इतना सा जो पार्ट है ना वो आपको प्लेन मिलेगा जो कि आपके अंदर की साइड आएगा ड्रैप करते हो जब। और ब्लाउज के लिए इन्होंने सिल्क का फैब्रिक दिया हुआ है, टैफेटा सिल्क का, और उसके ऊपर आपको इस तरीके का वर्क देखने को मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये है फ्रंट, इस तरीके का फ्रंट देखने को मिलेगा। बैक बिल्कुल प्लेन मिल जाएगा, एंड स्लीव्स के लिए आपको इस तरीके का स्लीव्स देखने को मिल जाएगी। यार ये वाली साड़ी बहुत प्रिटी लगेगी पहनने के बाद। मैं आपको और साड़ियाँ चाहे आप मत लो, लेकिन ये वाली साड़ी को हाईली रिकमेंड करती हूँ कि इस तरीके की साड़ी आपकी वार्डरोब में होनी चाहिए। एक तो बहुत ही एलिगेंट साड़ी है, दूसरा कभी भी फैशन आउट नहीं होता, एंड पहनने के बाद लुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है एंड बहुत ही सुंदर लगती है, और इसका काम है ना वो बहुत ही प्यारा है। तो ये है जो नेक्स्ट साड़ी मैंने पिक की है, जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक कुर्ता शरारा। ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, लेकिन बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप रीसेलिंग करते हो तो कुछ ऐसा भी तो होता होगा जो आपके पास रह जाता है या फिर उस टाइम सेल नहीं हुआ। तो होता क्या है, सेम डे ही सेल होता है, नेक्स्ट डे तो फिर कोई वीडियो देखता भी है नहीं भी देखता है। मैं भी कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो नहीं पढ़ती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है, पूरे मैसेज मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ। तो कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो मेरे पास रह जाते हैं। तो ये है कुर्ता शरारा, ये अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है, इस तरीके की जिप कवर में देखने को मिलेगा, एंड मैंने ऑलरेडी इसको शेयर किया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा एक बार आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वाली वीडियो में आप देख लो। अगर आप लेना चाहते हो तो इसकी भी मीशो प्राइस, रिसेलिंग प्राइस आप साइड में देख लेना। इसमें आपको इस तरीके की कुर्ती देखने को मिल जाएगी
मिल जाएगी जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। 3/4 स्लीव्स है, फुल जॉर्जेट फैब्रिक है। फुल लुक आप साइड में देख लेना, अंदर की साइड आपको प्रॉपर लाइनिंग देखने को मिलेगी एंड नीचे की साइड आपको इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। एक तो इतनी हैवी ड्रेस होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है एंड पहनने के बाद स्टाइलिश लगती है, क्योंकि अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है कुर्ता शरारा। एंड जो इसका मेन है ना, इस पूरी ड्रेस को हाईलाइट कर रहा है, वो है इसका शरारा, जो कि आपको इस तरीके का हैवी शरारा देखने को मिल जाएगा। ऊपर की साइड तो इलास्टिक देखने को मिलेगा एंड प्लेन है, स्ट्रेट में देखने को मिलेगा एंड नीचे की साइड आपको इतना फ्लेयर देखने को मिल जाएगा। जब आप इसे पहनोगे तो लुक एज ए लहंगा ही आने वाला है, क्योंकि फ्लेयर काफी अच्छा है एंड फुल पे सिक्वेंस लगाए हुए हैं, जॉर्जेट फैब्रिक है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, साइज है जो एल है। और अगर आप लेना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो धीरे धीरे जो एक एक दो दो ड्रेस बच रही होगी वो ऐसे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। एंड इस तरीके का आपको इसमें दुपट्टा देखने को मिल जाएगा, जो कि हैवी दुपट्टा है, पूरा 2.25 मीटर का सिक्वेंस लगाए हुए हैं एंड बॉर्डर देखने को मिल जाएगा काफी ब्रॉड इसमें आपको। तो ये है जो नेक्स्ट ड्रेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बहुत ही प्यारा सा ज्वेलरी सेट। इसमें आपको नेकलेस, इयररिंग्स, रिंग्स, नोच पिन, ब्रेसलेट सब कुछ देखने को मिल जाएगा। प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे, बहुत ही प्यारा है। प्लस इसका लुक इतना प्यारा है कि गोल्डन एंड सिल्वर कलर मिक्स में है, तो ये सभी आउटफिट के साथ आराम से जाएगा, चाहे वो गोल्डन हो चाहे वो सिल्वर हो। रीजन यही था पिक करने का, तो इस तरीके की पैकेजिंग में देखने को मिलेगा एंड बहुत ही सुंदर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका नेकलेस बता देती हूँ, जो कि काफी ज्यादा स्टाइलिश है एंड लॉन्ग में आपको देखने को मिलेगा। क्वालिटी यार बहुत ही अच्छी है, मीशो पे डिजाइन एक से बढ़ के एक है। तो इस तरीके का आपको ये वाला नेकलेस देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप इसका पेंडेंट देखो, ये पेंडेंट देखो कितना प्यारा लग रहा है, और ये चीज इसकी कितनी प्यारी लग रही है एंड लुकिंग वाइज सुपर्ब है। किसी भी साड़ी, लहंगा, एथनिक वेस्टर्न ड्रेसेस के ऊपर, कुर्तीज के ऊपर काफी अच्छे से जाएगा। एडजस्टेबल है तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा एंड क्वालिटी के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लगा। डिजाइन काफी अच्छा है एंड इसमें आपको है ना ब्रेसलेट वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि मैंने अभी पहना हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये वाला ब्रेसलेट इसके साथ ही आया है, ये पूरा सेट है। इसमें आपको इस तरीके का ब्रेसलेट देखने को मिल जाएगा, जिसे आप अपने साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। ये भी आपको गोल्डन एंड सिल्वर में देखने को मिलेगा, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके का ब्रेसलेट है एंड लुकिंग वाइज बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये वाला सेट एंड प्राइस के अकॉर्डिंग तो काफी ज्यादा वर्थ इट लगा। और इसमें आपको इयररिंग्स के लिए दो छोटे छोटे झुमके दिए गए हैं, छोटे छोटे नहीं बोल सकते, मीडियम साइज में है, काफी अच्छे हैं प्लस लाइट वेट है। इस तरीके के आपको झुमके देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी सुंदर लगेंगे एंड सबसे अच्छी बात है लाइट वेट है, तो पहनने के बाद आपको बिल्कुल भी इरिटेट फील नहीं होगा, पूरे दिन भर आप इस सेट को आराम से कैरी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गोल्डन के साथ क्या पहनना है, सिल्वर के साथ कौन सा सिल्वर पहनना है। ये दोनों आउटफिट के साथ आराम से जाएगा, जिसमें गोल्डन वर्क सिल्वर दोनों वर्क हो या फिर कुर्ती हो, किसी भी आउटफिट के साथ काफी ज्यादा स्टाइलिश लगेगा। और ये है इसके इयररिंग्स, प्लस इसके रिंग और नोज पिन भी काफी ज्यादा खूबसूरत है, ये तो पूरा सेट ही काफी ज्यादा अच्छा है। मैं आपको साइड में ना क्लोज शॉट दे दूंगी, इस तरीके की नोज पिन देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी अच्छी लगती है, पहनने के बाद काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती है, साड़ी वगैरह के ऊपर काफी अच्छी लगती है, लहंगा कुर्तीज वगैरह के ऊपर आजकल तो आप किसी के ऊपर भी डाल सकते हो, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लुक हो जाता है। एंड मेरे पास नोज पिन वाला कुछ नहीं था, अलग से नोज पिन थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा सेट एक ही हो, वो ज्यादा अच्छा लगता है कि ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बस इस सेट को निकालना है एंड पूरा लुक क्रिएट हो जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छा है। एंड इसमें आपको इस तरीके की एडजस्टेबल रिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तो ये है जो नेक्स्ट और लास्ट मैंने पिक किया है, क्वालिटी काफी अच्छी है और इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ऐसे सेट मीशो में बहुत ही कम आते हैं और कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मैंने भी पहली बार ही देखा कुछ इस तरीके का एंड देखते ही मैंने पिक कर लिया। तो गाइस ये था आज का कलेक्शन, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यार फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो जिससे जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़े एंड विद बेल आइकन सब्सक्राइब करो, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और कुछ देखना चाहते हो मीशो से कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।